आज तारीख हो चुकी है 21 दिसंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आईपीएल 2022 के ऑप्शन को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब फाइनली आईपीएल ऑप्शन की यहाँ पर डेट अनाउंस कर दी। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सोर्सेस से अब ये फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है कि 5 और 6 फरवरी को हमें यहाँ पर दोपहर को 2:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक हमें 2 दिन मेगा ऑप्शन देखने को मिलेगा। 2018 की तरह 2021 में, यानी आईपीएल 2022 के लिए अब 5 फरवरी से लेकर अब 6 फरवरी तक 2 दिन मेगा ऑप्शन चलेगा, जो कि 2:30 बजे से लेकर आप 9:30 बजे तक देख सकते हो। तो कुल मिलाकर अब मेगा ऑप्शन की तारीख हमारे सामने आ चुकी है। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद हमें 5 फरवरी को यहां पर मेगा ऑप्शन देखने को मिलेगा और अराउंड यहां पर 1050 प्लेयर्स मेगा ऑप्शन का भाग बनेंगे। आपको हमारे चैनल पर मेगा ऑप्शन के प्लेयर्स को लेकर भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको वीडियोस मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत साउथ अफ्रीका की सीरीज को लेकर। दरअसल 26 तारीख से शुरू होने वाली भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज में हमें कोई भी क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। बिहाइंड क्लोज डोर ये सीरीज कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर अब लगातार दोबारा से यहां पर अब क्रिकेट में यहां पर दोबारा से क्राउड की कमी होने लगी। जहां पर हमने देखा है कि एशेज में भी यहां पर क्राउड को कम कर दिया गया, अब यहां पर भारत साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी बिना क्राउड के हमें मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो ये तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल यहां पर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने और आरसीबी के करीबी सोर्सेस ने अब ये बताया कि मेगा ऑप्शन के लिए आरसीबी की टीम ने यहां पर 8 करोड़ तक का यहां पर खगेश्वर रबाड़ा के लिए बजट तैयार कर रखा है। कुल मिलाकर 8 करोड़ तक ये टीम रबाड़ा पर स्पेंड करने को तैयार है। जहां पर पिछले साल तो 13-14 करोड़ तक इस टीम ने काइल जेमिनसन पर खर्च किए थे और पूरा आईपीएल एडिशन में जेमिनसन ने 8 से 9 विकेट लिए थे। तो 2 बार के अब पर्पल के विनर यहां पर रबाड़ा पर ये टीम 8 करोड़ तक खर्च करके इनको दोबारा से, या फिर यूं कहेगी पहली बार इनको परचेस करेगी। जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो इनको दोबारा से परचेस करने का ट्राई करेगी, लेकिन आरसीबी की टीम इनको पहली बार अपनी टीम में इंक्लूड करने का प्रयास करेगी। तो आईपीएल 2022 के एडिशन में अब हो सकता है कि रबाड़ा हमें आरसीबी की रेड और ब्लैक जर्सी में खेलते हुए देखे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम सचमुच रबाड़ा को अब खरीदने में सक्सेसफुल रहेगी या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो ये चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है हैदराबाद के हर एक स्लॉट के प्लेयर को लेकर। दरअसल हमने आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर हर एक टीम के हर एक स्लॉट के आपके प्लेयर्स के नाम बताए। आज की वीडियो में हम आपको हैदराबाद के हर एक स्लॉट के प्लेयर्स के नाम बताएंगे। आप कमेंट करके बताइए कल की वीडियो में आप कौन सी टीमों के यहाँ पर हर एक स्लॉट के प्लेयर या फिर ऑप्शन के रिगार्डिंग खबर देखना चाहते हो। तो अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के। तो ओपनिंग स्लॉट में नंबर 1 पर हमें ईशान किशन, शिखर धवन, इसके साथ ही यहाँ पर शुभमन गिल में से और यहाँ पर टी अग्रवाल में से कोई एक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उनके साथ ओपनिंग स्लॉट में बैरिस्टो मिचेल, इसके साथ ही गप्टिल में से और फेब डुप्लेसी में से हमें एक देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर हमें केन विलियमसन, जो कि यहाँ पर कप्तान और रिटेन हुए, वो देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर हमें राइडू नीतीश राणा, इसके साथ ही हमें अभिषेक शर्मा और विष्णु विनोद में से कोई एक देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर मिचेल मार्श, जिमी निशम, सैम करन में से और बेन स्टोक्स में से हमें कोई एक देखने को मिलेगा। नंबर 6 पर अब्दुल समद देखने को मिलेगा। नंबर 7 पर हमें वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, शाहबाज अहमद, राहुल तेवटिया में से कोई एक देखने को मिलेगा। नंबर 8 पर उनटकट, संदीप शर्मा, नटराजन में से और हर्षल पटेल में से कोई एक देखने को मिलेगा। नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन, करण शर्मा या फिर रवि बिश्नोई में से हमें कोई एक देखने को मिलेगा। नंबर 10 पर यहाँ पर जोश एजलवुड, क्रिस वोक्स में से, जॉर्डन में से, इसके साथ ही जेमिनसन में से हमें कोई एक देखने को मिलेगा। और नंबर 11 पर हमें उमरान मलिक देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैदराबाद की टीम के हर एक स्लॉट में हमें आईपीएल 2022 के एडिशन के प्लेयर देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए कल की वीडियो में आप कौन सी टीम की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, कौन सी टीम के आप ऑप्शन के रिगार्डिंग आप सभी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो। बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की।
तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है ऑक्शन के प्लेयर्स को लेकर। दरअसल अब ऑक्शन की लगभग तारीख आ जाने के बाद अब प्लेयर्स ने भी अपने आप को ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया, जहां पर वेस्ट इंडीज के अब काफी सारे प्लेयर्स के नाम रिवील हुए, जहां पर वेस्ट इंडीज के ब्राओ ने, जेसन होल्डर ने, ओशन थॉमस ने, शिवन नेटमायर ने, क्रिस गेल ने, इसके साथ ही इवन लुइस, कार्लोस ब्रेथवेट, शेल्डन कोटरल ने, इसके साथ ही फ्लेचर ने, इसके साथ ही शे होप, अल्जारी जोसेफ ने, ब्रेंडन किंग ने, और रोमन पोवेल, रवि रामपोल, कीमो रोच, लेंडल सिमंस ने, और हेडन वॉल्श ने अपने आप को यहां पर मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड कर लिया है। कुल मिलाकर ये प्लेयर्स मेगा ऑक्शन का भाग बनेंगे, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मेगा ऑक्शन के सभी 1000 प्लेयर्स की यहां पर डिटेल्ड लिस्ट मिलेगी। आज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मेगा ऑक्शन के सभी प्लेयर्स की कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि आईपीएल से जुड़ी आप छोटी बड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। तो आप वीडियो को अभी रोक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है, वाकई मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड जाने वाले प्लेयर्स को लेकर। दरअसल यहाँ पर 5 प्लेयर्स के नाम रिवील है, जो कि मेगा ऑक्शन में अब अनसोल्ड जाएंगे। शायद मेगा ऑक्शन में ये प्लेयर्स ना बिके, यहाँ पर पिछले साल आईपीएल में इन प्लेयर्स का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, इसी वजह से मेगा ऑक्शन में अब शायद कोई भी टीम इनमें इंटरेस्टेड ना हो। इनमें नाम आता है ओयन मॉर्गन का, नाम आता है क्रिस जॉर्डन का, नाम आता है शाकिब अल हसन का, नाम आता है यहाँ पर जय रिचर्डसन का, नाम आता है जेसन रॉय का। कुल मिलाकर ये 5 प्लेयर वो प्लेयर है जो कि मेगा ऑक्शन में शायद इस साल ना बिके, शायद टीमें इनमें इंटरेस्ट ना दिखाए। पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इन प्लेयर्स को इस साल शायद कोई भी टीमें ना खरीदे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन कौन से प्लेयर्स इस साल के मेगा ऑक्शन में आपके अकॉर्डिंग अनसोल्ड रहेगा, आपके अकॉर्डिंग कोई भी टीम उनमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो ये सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों को लेकर। दरअसल आज 21 दिसंबर की तारीख हो चुकी है, लगभग 10 दिन बाद 31 दिसंबर को हमें अहमदाबाद और लखनऊ के 3-3 प्लेयर्स का यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा, जहाँ पर 31 दिसंबर को इन दोनों टीमों का प्लेयर ड्राफ्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसे कि आप स्टार स्पोर्ट्स पर और हॉटस्टार पर देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्लेयर ड्राफ्ट टेलीकास्ट किया जाएगा, इसीलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर इन टीमों के प्लेयर्स को लेकर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप कोई भी खबर मिस ना कर पाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप 31 तारीख को होने वाले प्लेयर ड्राफ्ट के लिए और अहमदाबाद और लखनऊ के प्लेयर जानने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अब यहाँ पर सीएसके और पंजाब के बाद अपना ट्रायल कैंप शुरू कर दिया। इससे पहले सीएसके और पंजाब की टीमों ने अपना ट्रायल कैंप शुरू कर दिया, अब राजस्थान की टीम ने भी यहाँ पर अपना ट्रायल कैंप शुरू कर दिया, जहाँ पर 21 दिसंबर से लेकर अब 29 दिसंबर तक नागपुर में इस टीम का ट्रायल कैंप रहेगा। ये टीम काफ़ी सारे प्लेयर्स को बुलाकर अब ट्रायल लेने लगी है, तो कुल मिलाकर ट्रायल कैंप में काफ़ी सारे प्लेयर्स को ये टीम पसंद करेगी और मेगा ऑक्शन में अब उन प्लेयर्स के लिए ये टीम बिड करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन से 5 प्लेयर्स को राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिर मेगा ऑक्शन में टारगेट करके परचेस करना चाहिए। आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।